नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज खबरें अब तक में बात होगी राहुल गांधी पर जारी किए गए बीजेपी के नेताओं के तालिबानी फरमान की, वन नेशन वन इलेक्शन पर अखिलेश यादव और मायावती की यू टर्न की, और तूफान से आने वाली नई तबाही की। साथ ही देश दुनिया में कौन सी खबरें रही चर्चा का विषय वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर डालेंगे नजर। जम्मू कश्मीर में शाम 5 बजे तक 58% के आसपास वोटिंग किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा पड़े वोट। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान हुआ। पहले चरण में 7 जिलों की तकरीबन कुल 24 सीटों के लिए वोट डाले गए, जिसमें दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर को मतदान होगा। अग्निवीरों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, दौड़ी खुशी की लहर। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई अग्निपथ योजना को लेकर कई युवाओं में नाराजगी थी। नाराजगी का असर बीते लोकसभा चुनाव में भी पड़ा, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। सीबीआई का खास खुलासा, क्राइम के 48 घंटे तक संजय रॉय के कपड़ों को नहीं किया गया जब्त। आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद हत्या के मामले में सीबीआई जांच कर रही है। जांच एजेंसी ने इस मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है। सीबीआई का दावा है कि मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय के कपड़ों को घटना के बाद 2 दिन तक जब्त नहीं किया गया। ट्रंप ने भारत को लेकर किया बड़ा ऐलान, मोदी को बताया शानदार इंसान। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह अमेरिका के 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे और वो उनसे मिलेंगे। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी ट्रंप ने आयात शुल्क का दुरुपयोग करने के लिए भारत की आलोचना की थी, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक शानदार इंसान बताया। शेयर बाजार में रिकॉर्ड बढ़त पर लगाम, सेंसेक्स 131 अंक टूटा, निफ्टी 25,400 के नीचे। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 131 अंकों की गिरावट के साथ 82,948 पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 41 अंक फिसल कर 25,377 पर पहुंच गया। हेडलाइंस के बाद वक्त है वायरल वीडियो का। दिल्ली में 8वें मुख्यमंत्री के तौर पर जल्द आतिशी शपथ लेंगी। लोग सोशल मीडिया पर उन्हें भर भर कर बधाई दे रहे हैं। बधाई यूं ही नहीं बल्कि उनके एक पुराने वीडियो के साथ। वीडियो क्या है पहले तो वो देखिए। पार्टी ऑफिस जाने से हमें रोका गया। पार्टी ऑफिस से निकलकर सौरभ भारद्वाज जी, दुर्गेश पाठक, आदिल अहमद खान और मैं मेरे घर जा रहे थे। प्रगति मैदान में एबी 17 पे मेरा घर है। हम यहाँ पे 12 खंबा रोड के फ्लाईओवर से नीचे उतरे और इन पुलिस वालों ने मेरा चेहरा देख के गाड़ी रोकी। अब ये कह रहे हैं हमें अपने घर भी नहीं जाने देंगे। ये क्या तानाशाही चल रही है? आप हमें पार्टी ऑफिस नहीं जाने दोगे? आप तो आपने रोका हमें। आपको बता के जाएंगे क्या सर? आपको क्यों बताए, क्यों पूछ रहे हैं आप? क्यों पूछ रहे हो आप? क्यों पूछ रहे हो आप? कहाँ जा रहे हैं सर? घर जा रहे हैं अपने। दरअसल ये वीडियो उस वक्त की है जब केजरीवाल जेल में थे और उनकी पार्टी इसका विरोध कर रही थी। उस समय आतिशी ने सड़क पर दिल्ली पुलिस के रोके जाने पर विरोध किया था। उनकी टीम ने ही मोबाइल से वीडियो बनाया था, लेकिन इस वीडियो में सभी ने आतिशी का दमदार रूप देखा था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब दिल्ली को पहली बार निडर महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली है। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे हमारी खास रिपोर्ट्स की ओर। राहुल गांधी जब से अमेरिका गए, भारत में सियासी उबाल आ गया। अमेरिका में उन्होंने भारत, बीजेपी और आरएसएस को लेकर कुछ बयान दिए।
माना जो गलत थे। राहुल गांधी को बयान देने से पहले उस तर्क पर रिसर्च करने की जरूरत रहती है, मगर अफसोस कि वो ऐसा नहीं करते और सीधे बिना तर्कों के साथ बयान दे देते हैं। बयानों का विरोध किया जाना ठीक है, लोकतांत्रिक देश में सभी के पास ये अधिकार है, मगर क्या लोकतांत्रिक देश में ये अधिकार किसी के पास है कि कोई कह दे कि राहुल गांधी की जवान काटो इनाम देंगे या राहुल गांधी की जबान काटो और जला दो। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए लगातार बीजेपी के नेता कार्यकर्ता तालिबानी सजा तय कर रहे हैं और पीएम मोदी से लेकर कोई भी बड़ा नेता इसका विरोध नहीं कर रहा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जीभ नहीं काटी जानी चाहिए बल्कि उसे जला देना चाहिए। आप खुद सुनिए। नहीं, जीभ छाटने की भाषा तो योग्य नहीं है, परंतु राहुल गांधी जी आरक्षण संदर्भात बोलले ते भयानक है, आणि त्याच्यामुळे असं जर विपरीत कोणी बोलत असेल, परदेशात जाऊन वात्रटा सारखं बोलत असेल तर जीभ छाटू नये, पण जिभेला चटके मात्र दिले पाहिजे। कारण काय, हे जिभेला चटके अशा लोकांना देणं आवश्यक आहे, ते राहुल गांधी असो की तो ज्ञानेश महाराव असो की तो श्याम मानव असो की या भारतामधल्या बहुजन समाजाला त्या भारतामधल्या बहुसंख्यांना जे दुखावतात, त्यांच्या भावना दुखावतात, त्या लोकांना कमीत कमी जाणीव तरी करून दिली पाहिजे, आणि म्हणून जीभ छाटू नये पण जिभेला चटके मात्र निश्चितच दिले पाहिजे। इतना ही नहीं, इससे पहले शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जुबान काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि नेता प्रतिपक्ष को इस तरह से प्रताड़ित करने का अधिकार बीजेपी को किसने दिया? अगर नेता मंत्री ऐसा बोल रहे हैं तो बड़े पदों पर बैठे आलाकमान कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या राहुल गांधी ने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि उनको तालिबानी सजा दे दी जाए? राहुल गांधी ने बेशक गलत बयान दिए, मगर उनको जवाब इस अंदाज में देना भी गलत है। कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ हुआ प्रदर्शन घृणा प्रचार का नमूना है जिस पर सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। ये वक्त है आपसी समझ से देश को मजबूत बनाने का, ना कि उसे खून से सजाने का। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। आज एक देश एक चुनाव पर मोदी सरकार ने मोहर लगा दी है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने देश में सभी चुनाव एक साथ करवाने के लिए बनी रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को पास कर दिया है। इसके बाद देश में एक देश एक चुनाव की राह से सस्पेंस दूर हो गया है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ किया था कि मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में देश का ये सबसे बड़ा चुनाव सुधार लागू हो जाएगा। मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। रामनाथ कोविंद कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो देश में एक साथ चुनाव करवाने की संभावनाओं पर रिपोर्ट दे। समिति ने अपनी रिपोर्ट इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा की गई और मंजूरी दे दी गई। कैसे होगा ये सब और रिपोर्ट में क्या बताया गया है वो बता देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया दो चरणों में होगी। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में कराए जाएंगे। दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव 100 दिन के भीतर करवा लिए जाएंगे। पहले चरण में लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे। दूसरे चरण में लोकसभा विधानसभा के साथ स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। पूरे देश में सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची होगी। सभी के लिए वोटर आई कार्ड भी एक ही जैसा होगा। देखा जाए तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की बात कही जा रही है। हालांकि कई राजनीतिक दल एक देश एक चुनाव के पक्ष में नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि आज अखिलेश यादव और मायावती ने इस पर समर्थन दे दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये परिकल्पना सच हो पाती है या नहीं। इसी के साथ रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। चीन के शंघाई शहर में सोमवार को बेंबिका तूफान ने दस्तक दी, जो पिछले 75 साल में शहर में आया सबसे शक्तिशाली तूफान है। इस तूफान के कारण जनजीवन ठप हो गया है। शंघाई की केंद्रीय मौसम विज्ञान वेधशाला ने बताया कि तूफान 42 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चली हवाओं के साथ शंघाई की पुंडोंग डिस्ट्रिक्ट के लिंगांग इलाके में पहुंचा। वहीं म्यांमार और वियतनाम में यागी तूफान ने बड़ी तबाही मचाई है। इस तूफान की वजह से भारत के भी कई इलाकों में आंधी और बारिश का कहर देखने को मिला है।
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कई दशकों का सर्वनाश कर देगा ये तूफान। दरअसल बीते सप्ताह आए यागी तूफान और बारिश के बाद बाढ़ एवं भूस्खलन से म्यांमार में 226 लोगों की मौत हो गई और 77 लोग लापता हैं। म्यांमार में प्राकृतिक आपदा से मरने वालों की संख्या 500 के पार पहुंच चुकी है। वहीं वियतनाम में तूफान यागी के चलते आई बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि एक स्टडी के अनुसार समुद्र की सतह के बढ़ते तापमान से बढ़ती नमी के कारण तूफान में बारिश की तीव्रता उम्मीद से दोगुनी तेजी से बढ़ेगी। तापमान बढ़ने के साथ तूफानी हवाएं मजबूत होंगी। तेज हवाओं वाले तूफानों से बारिश की दर भी बढ़ती जाती है। ये आने वाले समय में ज्यादा विनाशकारी साबित होगी। वजह यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का पानी लगातार गर्म हो रहा है। यानी कि देखा जाए तो आने वाले दिनों में ऐसे तूफान दुनिया भर में और तबाही मचाने वाले हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा आज कौन सी खबरें रही चर्चा का विषय वो भी बता देते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक में इसरो से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इसमें चंद्रयान 4, शुक्र मिशन, इंडियन स्पेस स्टेशन और अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान विकसित करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। इसरो पहले ही चांद पर अपने 3 मिशन भेज चुका है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक एक लैंडर और रोवर को उतारा था। इसके साथ ही कैबिनेट ने शुक्र मिशन को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा गाजियाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। योगी ने दावा किया कि पिछले कुछ दिनों में बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले जितने भी अपराधी पकड़े गए वे सभी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली में आतिशी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बनने जा रही है। खबर आ रही है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय को पत्र भेज दिया है। इस पत्र में 21 सितंबर को आतिशी को सीएम पद की शपथ दिलाने की तिथि प्रस्तावित की गई है। इसी के साथ आज भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे के समझौते सिंधु जल संधि पर 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की गारंटी का ऐलान किया है। कांग्रेस ने हरियाणा को 7 वादे पक्के इरादे के तहत 7 बड़ी गारंटी दी है। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा एक बात और करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दलों की भाषा मर्यादा लांघने लगी है। बड़ी पार्टियों के प्रमुख नेता जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। मंचों पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से 10 कदम आगे नेता एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। बात चाहे राहुल गांधी की हो या किसी भी और नेता की, सब एक जैसे हैं। राहुल गांधी ने एक बयान दिया तो बीजेपी के नेता तालिबानी बयान देने पर उतारू हो गए। ऐसे में सवाल है कि भाषा के लगातार गिरते राजनीतिक स्तर को मापने के लिए पैमाना क्या है। अगर मर्यादा को लांघने वाला कोई भी नेता हमें सुन रहा है तो ये जान ले कि भाषा की मर्यादा आपको बनाती है और अमर्यादा गिराती है। व्यक्तिगत हमलों से समर्थक भले ही ताली बजाते हों, पर वो मतदाता जो अपनी सोच रखता है कट्टर है। वो उस नेता के मन में एक तस्वीर बनाता है जो लाख अच्छी बातें कहने से भी नहीं हटती और एक झटके में खराब छवि भी बन सकती है। इसलिए भाषा में गौर फरमाना जरूरी है। फिलहाल आज के लिए चाहेंगे इजाजत आज के इस सुविचार के साथ। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी, फर्क तो सिर्फ रंगों का है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर।